नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का हमारे वाईफाई टीचशाला यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप उसको ज्वाइन कर लो, अभी की अभी हर अपडेट वहाँ पे आती है पूरे भारत की नौकरियों की भी। और हार्टून की यहाँ पे जिक्र करते हैं, हार्टून के अंदर जो भर्ती आई है और प्रोग्रामर वगैरह की, उसमें कुछ देख कल मैं वीडियो नहीं बना पाया तो आज शाम को पक्का आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और ये वीडियो इसलिए बनाया है मैंने, जो अभी फार्म आए हैं 200 प्लस पदों पर, उनमें किस किस कौन कौन आवेदन करना चाहता है, आवेदन आज हम करके दिखा देंगे आपको शाम को। तो आप धैर्य रखें, कोई गलती नहीं करना है फार्म में, अगर आपने कोई गलती कर दी तो आपका पैसा बर्बाद जाएगा और ये मौका बड़ी मुश्किल से आया, दोबारा ऐसा मौका आएगा भी नहीं। और जो साथी कहते कि हार्टून बंद होगा, हार्टून वाले कौन से रोजगार में जाए, उनके लिए एक प्रूफ है, दोबारा से भर्ती आ चुकी है। बार बार कहता हूँ ये आईटी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, इसका आउटसोर्सिंग से कोई लेना देना नहीं है, ना ही था, ना ही है, ना ही होगा, ठीक है। तो ये अब आपको गवर्नमेंट नौकरी से ज्यादा बेस्ट आपको हार्टून दिखाई देगा इस समय। क्या क्या क्वालिफिकेशन है ग्रुप में डाल दिया है, बाकी शाम को पूरा डिटेल में बताऊंगा। आप एक बार मुझे कॉमेंट करिए कौन कौन इस भर्ती में आवेदन करना चाहता है, और जो जितना हो सकता है मेरे से मैं आपको क्वेश्चन और जो प्रैक्टिकल आपका जो होगा वो सब कुछ आपको हम दिखाएंगे। और एक दो जो प्रोग्रामर हमारे जो फास्ट प्रोग्रामर है वो मदद करना चाहते हैं, मैं उनका बिल्कुल स्वागत करता हूँ, क्योंकि मुझे जरूरत है आप लोगों की। और क्योंकि प्रोग्रामिंग में मेरी मुझे इतना आता नहीं है, बिल्कुल आता ही नहीं है भाई, मुझे बेसिक आता है, कभी सेंटर में सिखाया करते, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश, एक साथी तो मेरे पास है और देखता हूँ एक दो साथी और जो मिलेंगे तो हम कोशिश करेंगे अच्छे से आप हम एक्सप्लेन कर पाए इस चीज़ को। और अब की बार मैं प्रोग्रामर की जूनियर प्रोग्रामर का पेपर देने के लिए जा रहा हूँ और मैं भी आवेदन करूँगा, क्योंकि मैं देख के आऊँगा वहाँ पर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं सिर्फ देखने के लिए मैंने जाना है और देखते हैं क्या होगा। प्रोग्रामिंग मैं भी अभी सीखूँगा, थोड़ा बहुत सीखना मैंने, ताकि मैं एग्ज़ाम दे के देख सकूँ भाई क्या वहाँ पर आता है और आप लोगों को आसानी रहे आगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है। तो मुझे कमेंट करें कौन कौन साथी है जो तैयार है इस भर्ती के आवेदन करने के लिए, और आवेदन में थोड़ी सी भी गलती मत करना, मैं कहता हूँ आज रुक जाइए, कल से आवेदन कर लीजिए, आज शाम को मैं वीडियो बना दूंगा, पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे। तब तक आप धैर्य रखना है, धैर्य सबसे यानी कि सबर का फल मीठा होता आपको पता है। और जो डाटा एंड ऑपरेटर की भर्ती का इंतजार कर रहे हैं सभी साथी, कौन कौन किस जिले में भर्ती चाहते हैं वो कमेंट करने के बाद देखना चाहते हैं हम कितने, और फिर उसके बाद एक वीडियो बनाऊंगा मैं कहाँ कहाँ पर भर्ती आ सकती है, ठीक है। वीडियो बनाएंगे इस पर भी, एडवांस में वीडियो बना देंगे इन जिलों में भर्ती आ सकती है, भर्ती आएगी, तैयार रहे, अपनी टाइपिंग नहीं छोड़ना है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाली हार्टून की, वो क्वेश्चन पढ़ते रहना है, कुछ गलती लग रही क्वेश्चन में कॉमेंट करना है या टेलीग्राम करना है। वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कॉमेंट करें।